एक कविता सुनाता हूँ आपको, जो अब तक बैठे हैं मैं उन सबका आभार मानता हूँ। सचमुच आज दिनेश रघुवंशी के संचालन में, तरुण फाउंडेशन के संयोजन में, तरुण राठी जी की उपस्थिति में जो अमरोहा में एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन हुआ है, मैं इसका सारा श्रेय जनता को देता हूँ जिन्होंने बहुत प्राण से, निष्ठा से। कोई शक नहीं, एक बार अपने सम्मान में थोड़ी तालियां बजा दीजिए, लगना चाहिए। मैं इसमें सचमुच बोल के जाना चाहता हूँ, बोल के नहीं जाऊंगा तो मुझे अजीब सा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे भी सुन लो, सहानुभूति मेरे प्रति आपकी हो जाए। मैं 40 साल से मंचों पर हूँ, मैं 25 साल लाल किले में कविताएं सुनाने गया हूँ, लेकिन मैं एक बात कह के नहीं जाऊंगा तो मन पर बोझ लेके जाऊंगा। आज जिस तरह अमरोहा की जनता ने तरुण फाउंडेशन के इस कवि सम्मेलन को सुना है, मैं दिल से कहता हूं कि मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन तरुण फाउंडेशन के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी बात है। कमाल, इतना श्रेष्ठ सुन लेने के बाद भी आप नहीं गए तो फिर ये काय के पड़े कभी और लोग। अच्छा, इतने जमे सारे लोग, इतने जमे, आज तो सबने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भाई, जब इनको मालूम था कि मैं हूं यहाँ। क्यों कोशिश कर रहे थे? दिनेश भी आज क्या मूड में थे? आज तो हम भी दमगे भाई। जितना जमते हो उससे थोड़ा उतने नहीं जम पाए। दिनेश रोज जमता है, सब रोज जमते हैं, सब मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो चाहता था, जिस तरह का एक श्रेष्ठ महोत्सव कविता का यहाँ करना चाहता था, अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैं ऐसी टीम लाने में कामयाब हुआ तो मुझे इस बात की शुभकामनाएं आप दे दीजिए। कमाल भाई, बहुत। मोदी जी का जन्मदिन था, आज राठी जी का जन्मदिन है। राठी जी के जन्मदिन पर तो जब आप इन्हें कहीं भेज देंगे तब सुनाऊंगा। आज एक मोदी जी पर कविता सुनाता हूँ, मोदी जी। बहुत ही बढ़िया। और ये कविता मैंने उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही लिख ली थी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहा उसमें। अमरोहा में मैंने शायद सुनाई नहीं, मैं अमरोहा इस बीच ज़्यादा आया भी नहीं हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी मोदी वाली कविता सुनी है? 3-4 लोग। नहीं नहीं, वो मना कर रहे हैं, हमने नहीं सुनी। और जो बैठे हैं वो जो कह रहे हैं सुननी नहीं हमने। दिनेश तो चाय पी। और हो सके तो इसके लिए कुछ खाने के लिए भी लाओ। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तू भी एक कुर्सी लेके मेरे पास, मेरे हाथ में भी कॉफी है, कॉफी लेके बैठे ना सब। एक कविता सुन लीजिए, बहुत अच्छा।